सो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे की महत्वपूर्ण अपडेट। जैसे कि दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। जैसे कि इस समय मिट्टी की खुदाई जो है बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, मिट्टी की पटाई, और जो पुल का कार्य है बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, जैसे कि आप इस वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो में आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग मिट्टी का कार्य जो है पूरा हो गया है और इसके ऊपर डामर का कार्य होगा। डामर के बाद जो है डिवाइडर का कार्य ओपन कर दिया जाएगा। तो जैसे कि दोस्तों, आप सभी का कहना है कि ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है कि नहीं। तो जैसे कि दोस्तों, गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, 6 लाइन एक्सप्रेसवे है। जैसे कि ये दो भागों में विभाजित किया गया है और इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दो कंपनी द्वारा जो है बनाया जा रहा है और ये 12 जिला से होकर गुजर रहा है। 559 किलोमीटर के आसपास है, जैसे कि 594 किलोमीटर के आसपास है जो एक्सप्रेसवे टोटल है। जो कि दोस्तों, आप देखेंगे आर्टिकल में, अगर देखेंगे गूगल में भी सर्च करेंगे तो 594 किलोमीटर मिलेगा, अगर और कहीं भी देखेंगे तो 519 ऐसे आर्टिकल में लिखे रहते हैं। तो मेन 594 किलोमीटर ही है। आप सब क्या लगता है, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, जो कि बहुत भाई का डाउट भी है। और इस एक्सप्रेसवे से हम लोग को क्या लाभ होगा, आप सभी को बता देते हैं। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ से प्रयाग के बीच की दूरी भी कम हो जाएगी अगर एक्सप्रेसवे बन जाता है तो, जल्द से जल्द। जैसे कि पहले जो है मेरठ से और प्रयाग की दूरी हम लोग 11 घंटे में सफ़र करते थे, क्योंकि दोस्तों बीच बीच में कहीं ट्रैफिक के वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, तो इसीलिए पहले 11 घंटे लगता था। लेकिन अगर एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाता है तो हमें 8 घंटे में सफ़र पूरा कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो जैसे कि दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और एक कमेंट आप किस जिला से हैं, कमेंट जरूर करके बताएं दोस्तों। और इसी एक्सप्रेसवे पे आपातकालीन लैंडिंग के लिए शाहजहाँपुर में एक हवाई पट्टी और मार्ग पर औद्योगिक क्लस्टर और जो कि 9 स्थानों पर सार्वजनिक उपयोगिताएं भी होंगी, जैसे कि इसी एक्सप्रेसवे पे। जैसे कि शाहजहाँपुर में हवाई पट्टी बनाई जा रही है और उसकी लंबाई जो है 1600 मीटर के आसपास भी होगा, जिसमें वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक्सप्रेसवे के साथ गंगा नदी 1 किलोमीटर लंबा पुल का, जैसे राम नदी पे 720 मीटर का पुल का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि लगभग कंप्लीट भी हो गया है, 45% के आसपास जो है कंप्लीट भी हो गया। जैसे कि सारा पुल तो कंप्लीट ही हो गया है और बाकी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों, इस वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड डिवाइडर लगकर कंप्लीट हो चुका है, दोनों साइड अगर आप देखेंगे तो, और बीच में जो कि डामर का कार्य पूरा भी कर दिया गया है कुछ स्थानों पे। तो यहाँ पर अब बीच बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर व्हाइट पट्टी येलो पट्टी का कार्य भी होगा, जो कि 2 लाइन 6 लाइन है, तो ये 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर जो कि बनने वाला है। तो यहाँ पर व्हाइट पट्टी येलो पट्टी के माध्यम से ही बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो कैसा लगा, आप सब लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, आप किस जिला से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, ताकि हमें भी पता चले और हमारा भी उत्साह बढ़े। तो आई होप वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।